हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्लेट एप्लीकेशन के अंदर दोस्तों आप जब भी कोई वीडियो देखकर आप बंद करते हैं तो दोस्तों वहां पे ऐड आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो दोस्तों उनको किस तरह से बंद कर सकते हैं आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी डिटेल में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कराए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर ले, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ प्लेट एप्लीकेशन में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो ये प्लेट एप्लीकेशन है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह का ऐड आ जाएगा, आपको कट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे कोई भी एक वीडियो हम यहाँ पे प्ले करके देख लेते हैं, जैसे कि मैंने ये वाला वीडियो प्ले कर देता हूँ, ठीक है। अभी जैसे मैंने इसको कट कर दिया है, कट कर दिया के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला ऐड आ गया है, देख सकते हो फुल स्क्रीन पर ऐड आ गया है। तो इस तरह के ऐड आ रहे हैं, तो दोस्तों इनको बंद कैसे करना है वो सारा प्रोसेस जो आपको इस वीडियो में बताऊँगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। तो यहाँ पे इस वीडियो को हम पहले कट कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हो हम जो है इस ऐड को यहाँ पे स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो इसको ऐड को स्किप कर दिया है, अभी दोस्तों इसको बंद करना है। तो दोस्तों किस तरह से आप इसको बंद कर सकते हैं, तो सबसे पहले इसको हम बैक कर देंगे, फिर अपने मोबाइल की जो सेटिंग होती है उसमें चले जाना है, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च ऐप सेटिंग को यहाँ पर सर्च कर लेना है, और ऐप सेटिंग को यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत सारी ऐप जो आपको मिल जाएंगी। तो हमें यहाँ पे ऐप्स के अंदर चले जाना है और आपको यहाँ पे आ जाना है और ऐप के अंदर यहाँ पे फिर से क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ऐप के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है, तो इसको क्या करना है एक बार बैक कर देना है। बैक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल अप करना है, उसके बाद आ जाना है मैनेज ऐप के अंदर। मैनेज ऐप के अंदर आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना है। वेट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे प्लेट एप्लीकेशन को आप यहाँ पे सर्च कर लेना है ऊपर की साइड में, या तो आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया, सर्च करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली आपको नीचे की साइड में आना है, परमिशन अदर परमिशन के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। इनको यहाँ पे जो ग्रीन है उनको भी यहाँ पे ग्रीन रहने देना है, इसको हम यहाँ पर बैक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे की साइड में आना है और आपको यहाँ पर मिलेगा कनेक्टिविटी नोटिफिकेशन, यहाँ पर आना है, नोटिफिकेशन को बंद कर देना है, ठीक है। नोटिफिकेशन को बंद करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर मिलेगा फुल स्क्रीन मोड, तो आपको यहाँ पे ऑन है तो हम इसको एक बार ऑन करके इसको ऑफ़ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे बैटरी के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे डाटा के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, आपको यहाँ पे किसी भी और को छेड़ना नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको आना है यहाँ पर लोकेशन में और यहाँ पर इसको डेनी रहने देना है, ठीक है। आपका सेटिंग कम्प्लीट हो गया है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर प्लेट एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास कोई भी ऐड नहीं आ रहा है, ठीक है। ये देख सकते हो कोई भी ऐड नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप जो है कुछ इस तरह से आपको प्लेट एप्लीकेशन में ऐड को बंद कर सकते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर ले।